नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री और आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल में। मित्रों, ये आपका अपना ही चैनल है जिसे आप इतना प्यार दे रहे हैं, तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपको बता रही हूँ माँ लक्ष्मी जी के चरणों की स्थापना और पूजा विधि क्या है। माँ लक्ष्मी जी के चरण आप अपने पूजा स्थान में रखें, इसके अलावा मुख्य द्वार पर भीतर की तरफ प्रवेश करते हुए लगाएँ। माँ लक्ष्मी जी के जो चरण हैं, सबसे पहले आपको पंचामृत से उनको स्नान कराना चाहिए। इसके बाद उन चरणों को लाल रंग के एक आसन पर विराजित करना चाहिए। चरणों पर रोली का तिलक लगाकर चावल चढ़ाएं। उसके बाद आपको पुष्प चढ़ाना चाहिए, कलावा चढ़ाना चाहिए और किसी भी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। मिठाई सफ़ेद हो तो बढ़िया है, खीर का भी भोग आप लगा सकते हैं। इसके बाद आप लक्ष्मी चालीसा पढ़िए, लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करिए, श्री सूक्त का भी आप पाठ कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी के जो चरण होते हैं, ऐसा माना जाता है कि जिस घर में भी माँ लक्ष्मी के चरण रखे जाते हैं, वहाँ पर दुख, दरिद्रता, गरीबी, जिसको भी आप बोलें, लड़ाई झगड़े, किसी कोई कर्जा चढ़ गया है, इन सब से मुक्ति मिलती है और घर में सुख सौभाग्य समृद्धि का वास होता है। माँ लक्ष्मी जी के जो चरण हैं, जब आप अपने पूजा स्थान में रखते हैं तो इससे आपके सभी प्रकार के बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। एक चीज़ का लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि लोहे के बने हुए जो चरण होते हैं वो घर में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि कोई भी लोहे की चीज़ आप जब घर में रखते हैं तो उससे गरीबी आती है। लेकिन हाँ, जिनके लिए शनि शुभ है वो लोहे के चरण भी रखते हैं तो मेरे विचार में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक हो आप चांदी के लेकर आएँ, लेकिन अब आजकल मार्केट में इस तरह के बने हुए मिलते हैं और जनरली सभी इसी तरह के लगाते हैं, जो कि बहुत सुंदर भी लगते हैं। स्टिकर वाले भी आप लगा सकते हैं, जो भी हैं जैसे भी आप लगाएं। सबसे बड़ी चीज़ तो जो पूजा का विधान मैंने आपको बताया है उसे ज़रूर फॉलो करें, तो ज़रूर आपकी मनोकामना पूरी भी होगी और घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास होगा।